अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल सॉल्व एमटीक्यू नंबर 23.4 ऑफ चैप्टर बजटिंग। लेट स्टार्ट। आरजे एम कंपनी मैन्युफैक्चर्स सेवरल प्रोडक्ट्स, वन ऑफ विच इज प्रोडक्ट एम। आरजे एम जो कंपनी है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है, उसकी एक जो प्रोडक्ट है वो है प्रोडक्ट एम। प्रोडक्ट एम यूजेस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए चार डिफरेंट तरीके के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। द मटेरियल यूज एंड देयर प्राइजेज इन 2006 एंड 2007 आर एज फॉलो। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कितना कितना केजी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो, और उनकी प्राइजेस जो 2006 और 7 में थी, और कितना इस्तेमाल हुआ है 2006 और 7 में, वो हमें नीचे ये दिया हुआ है। मटेरियल ए 200 केजी 2006 में, बी 500, मटेरियल बी 500 केजी, मटेरियल सी 300 केजी, मटेरियल डी 400 केजी। मटेरियल ए जो है ये 0.98 का आता है, मटेरियल डी 0.95 पर केजी, मटेरियल सी 1.20 पर केजी, मटेरियल डी 1.10 पर केजी। अब 2007 पे आते हैं। 2007 में मटेरियल ए 300 केजी, बी 400, सी 500 और डी 100, और ये उनके पर केजी की हमें प्राइजेस देनी इन डॉलर। कंप्लीट द टेबल विद द वैल्यूज ऑफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईच मटेरियल फॉर 2007। मुझे जो है प्राइस इंडेक्स निकालना है फॉर ईच मटेरियल। किसके लिए निकालना है प्राइस इंडेक्स? फॉर 2007 विस 2006 एज बेस ईयर। 2007 के लिए प्राइस इंडेक्स निकालना है और 2006 को बेस ईयर रखना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा जी, अगर मैं वर्किंग करना स्टार्ट करूं, 1.40, तो हम यहाँ पे अपना प्राइस इंडेक्स निकालेंगे फॉर 2007 और हम बेस ईयर बनाएंगे 2006 को। तो सबसे पहले हम प्राइस इंडेक्स निकालेंगे मटेरियल ए का। 1.40 डिवाइडेड बाय 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा हमारे पास। मैं आंसर इस तरह लिख रही हूँ, 143। अब मटेरियल बी के लिए निकालेंगे। 1.10 डिवाइडेड बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 116। मटेरियल सी के लिए 0.92 डिवाइडेड बाय 1.20 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 77। प्राइस इंडेक्स मटेरियल सी का। मटेरियल डी के लिए 1.14 2007 का प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर लेना है 2006 को, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 104। ये था मेरा टास्क नंबर वन, ये मैंने की है इसकी वर्किंग। अब हम चलते हैं टास्क टू की तरफ। टास्क टू में आरजेएम आल्सो मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट जे। अच्छा, ऊपर जो हमने काम किया प्रोडक्ट एम के लिए काम किया, नीचे हम काम करेंगे प्रोडक्ट जे के लिए। एंड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड वॉल्यूम फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। पिछले 6 सालों, पास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीनों का वॉल्यूम और उनकी कॉस्ट बताई हुई है। अच्छा जी, मार्च में 10 10 हज़ार वॉल्यूम, उसकी कॉस्ट, फरवरी की वॉल्यूम और कॉस्ट, इस तरीके से जून तक की वॉल्यूम और कॉस्ट। यूजिंग द हाइलो मेथड व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर मंथ। अच्छा जी, हमें जो है टास्क नंबर टू में यूजिंग द हाइलो मेथड व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर मंथ। मुझे जो है हाइलो मेथड यूज करते वक्त हाइलो मेथड यूज करते हुए फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ये तो हमें आता है। सबसे पहले हम इस डेटा में से हाई लेंगे, हाई वॉल्यूम और हाई कॉस्ट। हाई वॉल्यूम हमारे पास है 14,000,
और इसकी कॉस्ट है हमारे पास है 72,500। लो हमारे पास वॉल्यूम है 10,000 और इसकी कॉस्ट है 57,500। इनका डिफरेंस ले लेंगे, का डिफरेंस आ जाएगा 4,000, इनका डिफरेंस आएगा 15,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 3.75, ये आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब जो है मैं फिक्स कॉस्ट निकालनी है ना मुझे टास्क नंबर 2 में। अब मैं हाईएस्ट वॉल्यूम लूँ या लोवेस्ट वॉल्यूम से लूँ, मेरे फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। मैं हाईएस्ट से कर रही हूँ, ठीक है। एस वी सी इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसको मैं तोड़ दूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मेरी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है मेरी, मैं हाईएस्ट से कर रही हूँ ना, तो मैं हाईएस्ट ले लूंगी अपना 72,500। फिक्स कॉस्ट तो मुझे मालूम करनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने 3.75, जो हाईएस्ट कॉस्ट लेंगे तो उसी का हाईएस्ट वॉल्यूम लेंगे 14,000। 72,500 फिक्स कॉस्ट नहीं पता, 3.75 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 14,000 से, तो आ जाएगा 5,250। ये इधर प्लस का है, यहाँ जाके जब ये माइनस का हो जाएगा तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 20,000। और यही मेरा टास्क नंबर 2 था, 20,000 है मेरी फिक्स कॉस्ट यूजिंग हाई लो मेथड। टास्क नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कुड आरजेएम यूजेस द हाई लो इक्वेशन टू फॉरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट मोस्ट एक्यूरेटली। इन जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो चार सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, तो उसमें से हाई लो जो ये आरजेएम कंपनी है, हाई लो इक्वेशन यूज करते वक्त करते हुए कैसे अपनी फ्यूचर की कॉस्ट फॉरकास्ट कर सकती है। अच्छा जी, पहला ऑप्शन है 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जे बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। तो जो आंसर है वो 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जे बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है हमारे सेट ब्रैकेट से वैल्यू बाहर हो जाएगी। हमारा सेट ब्रैकेट कहाँ तक फॉल कर रहा है, 10,000 से 14,000 तक के दरमियान की वैल्यूज है। अब अगर मैं 15,000 से काम करूंगी तो जो मेरा आंसर, मैं कर तो लूंगी, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाल तो लूंगी, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। दैट्स वाई ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है कि ये प्रोडक्ट आर की बात कर रहा है, हमें तो जे के लिए काम करना है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। डी जो है, अब जाहिर सी बात है अगर मैं कोई न्यू फैक्ट्री लगाऊंगी तो जो मैंने कॉस्ट एस्टिमेट की होगी, जरूरी तो नहीं है ना वही मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा, तो ये दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी गलत है। तो द राइट आंसर इज 11,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जे बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।